200 साल के ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई। 26 जनवरी को हम भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों ही दिन झंडा वंदन करने का तरीका अलग अलग होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने में क्या अंतर है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है, क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही किया था, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, वे ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं, जबकि 26 जनवरी को, जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन समारोह में मुख्य अतिथि आते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा नहीं किया जाता है।